हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक HTML, CSS और JavaScript के हेल्प से हम लोग ड्रैग इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। ये फीचर हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी मैं अगर सिंपल आपको दिखा दूँ तो ये है हमारा जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो हमारा HTML और JavaScript से बनाया हुआ एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके कोई भी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये हमारा इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि किसी इमेज को हम लोग कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव करते हैं, तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल में इमेज है। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से ला के यहाँ सिंपली ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो जाता है। मेरे हमारे साथ तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ यहाँ पे हमारा इमेज है जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारा पेज बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग ये इस वेबसाइट को बनाएंगे, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इंडेक्स पेज बना लेंगे जो हमारा HTML का पेज होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग अपना HTML का बॉयलर कोड रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारा टाइटल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें एक स्टाइल वाले पेज की जरूरत पड़ेगी और एक हमें जावास्क्रिप्ट पेज का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम तीनों पेज को अभी सिंपली बना देते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अभी ये हमारा तीनों पेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अभी सिंपल क्या करते हैं हम लोग अपने जो भी पेज है उसको लिंक कर लेंगे अपने HTML पेज से। यहाँ पे हम लोग स्टाइल दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग JS पेज को ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हम लोग डिवीजन बनाएंगे जिसका नेम होगा मेन कर लेते हैं, फिर हीरो हीरो के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डिव बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं एक लेबल, ले लिए। यहाँ पे हम लोग फोर में डाल देते हैं इनपुट इनपुट फाइल, और इसकी आईडी दे देते हैं ड्रॉप एरिया। इसके अंदर हमें एक इनपुट फाइल की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ पे हमें एक जो भी हम लोग, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा जो भी ये आइकन्स है, ये टेक्स्ट है, वो इस इनपुट फाइल के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनपुट फाइल जिसका टाइप होगा हमारा फाइल। ठीक है, इसका एक्सेप्ट, ये जो करेगा ये एक्सेप्ट करेगा इमेज को स्लैश करके HD, जो कि हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे डालने वाले हैं। इसकी एक आईडी हम लोग दे देंगे, आईडी का नाम होगा इनपुट फाइल। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव लेंगे, और डिव के अंदर एक इमेज लेंगे जो कि हमारा आइकन होगा। ये हमारा आइकन होगा जो हम यहाँ पे इस डिव के अंदर लेंगे, इस डिव को एक आईडी दे देंगे इमेज इमेज व्यू। ठीक है,
अब इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ में हम लोग डालेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप आवर क्लिक हेयर टू अपलोड इमेज। ठीक है, अभी हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो नीचे में आ रहा है, अभी हम लोग सी एस एस से इसको सारे को अच्छे से अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना सारा काम हो गया है, अभी हम लोग क्या करते हैं अपने सी एस एस में आ जाते हैं। ठीक है, तो सी एस एस में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सारा एटम्स है उसको हम यहाँ पे सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारा जो ये है हीरो क्लास जो है, हम लोग यहाँ पे उसको डॉट हीरो करके इंपोर्ट कर लेंगे। अभी ये हमारा होगा विड्थ जो ये होगा इसका, ये 100% होगा, और मिनिमम हाइट हम लोग इसको देंगे 100 VH का, जो कि हमारा ये टॉप और बॉटम से सेंटर में रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड में हम लोग देंगे एक ये जो हमारा कलर दिख रहा है ये बैकग्राउंड का कलर, ये भी दे सकते हैं या फिर कुछ और भी अपने हिसाब से, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो दे सकते हो। लीनियर ग्रेडियंट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 130 डिग्री का ले लेते हैं, और इसका फर्स्ट वाला जो कलर होगा हम लोग वो दे देंगे। आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी कलर आप सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे ये कलर दे दिया। उसके बाद हम लोग एक उसका व्यू लेंगे HSL करके, इसका इसका कलर हम लोग दे देते हैं कुछ भी अपने हिसाब से दे देते हैं, मान लो यही है, तो इस कलर को हम लोग थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे या कुछ और ब्लू टाइप का। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप का हमारा जो भी है कलर वो दिख रहा है, अपने हिसाब से आप जो भी अगर आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम इस कलर को ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी हमारा एटम है वो अभी देख सकते हो आप इधर शिफ्ट होया हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले हम लोग फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी आप देख सकते हो जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा कुछ सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हमारा है ड्रॉप एरिया, हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट कर देंगे। अब हमें हमारा जो ड्रॉप एरिया होगा जो कि यहाँ पे ये है, ये हमारा ड्रॉप एरिया है आप देख रहे हो, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसका सारा साइजिंग वाइजिंग का सारा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे उसका लिखेंगे। तो इसका विड्थ हम लोग ले लेंगे 300 300 400, आप जो भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से लिख सकते हो। और इसका हाइट ले लेंगे हम लोग 260 पिक्सल ले लेते हैं, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड में एक कलर दे देते हैं, मैं वाइट यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको डालना हो बैकग्राउंड में वो आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, तो अभी देख सकते हो ये हमारा जो भी इनपुट फाइल है उसका ये एक बैकग्राउंड में एक कलर आ गया है, सारा कुछ आ गया। अगर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी थोड़ा सा और इसको एक बैक
बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल का। तो अब ये देखने में थोड़ा हमारा जो बॉर्डर है वो अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब ये जो हमारा इमेज व्यू है इसका स्टाइलिंग कर लेंगे। इसका विड्थ हम लोग दे देंगे 100%, क्योंकि जो भी हमारा ये विड्थ होगा इस कंटेंट के अंदर का विड्थ वो सारा वो कंटेन कर लेगा, ठीक है। और हाइट दे देंगे 100%। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते हैं इसका। बैकग्राउंड में एक कलर हम लोग यूज कर लेंगे जो लाइट हल्का सा ग्रे कलर का हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ताकि हमारा जो भी यहाँ पे ये जो कलर दिख रहा है आपको ये हल्का डार्क टाइप का सो हो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें बॉर्डर दे देते हैं। जो हमारा बॉर्डर रहेगा वो रहेगा 2 पिक्सल 3 पिक्सल, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग डॉटेड डॉटेड का यूज करेंगे और बॉर्डर का हम लोग कलर दे देंगे हल्का ग्रे, ग्रे कलर देंगे ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे में दिखे। उसके बाद क्या करते हैं कि बैकग्राउंड का पोजीशन जो होगा हमारा वो हम लोग सेंटर कर देते हैं। और बैकग्राउंड का साइज जो होगा वो भी हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो इमेज व्यू है इसके अंदर जो हमारा ये इमेज है, ये जो आइकन है हमारा, इस आइकन को हम लोग साइजिंग दे देंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो HTML के अंदर, ये इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है हम लोग उसको साइजिंग दे देंगे। तो जिसका विड्थ हम लोग ले लेते हैं 100 पिक्सल। अभी ये देख सकते हो एक बहुत छोटा सा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और हम लोग विड्थ देंगे ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और इसको मार्जिन थोड़ा सा हम लोग दे देंगे मार्जिन टॉप से, पिक्सल, ठीक है। अभी इतना हमारा कुछ हो, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो चूज जो हमारे इनपुट फाइल है वो इस तरीके से यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट से हम लोग इसको फिक्स करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे रहने ही देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है हम लोग उसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये इमेज व्यू जो है उसके अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ को ले लेते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। फॉन्ट साइज ले लेंगे 20 पिक्सल। कलर अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, थोड़ा डार्क दिखे। मार्जिन टॉप से हम लोग इसे 10 पिक्सल दे देंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक BR टैग का यूज कर देंगे ताकि ये दो दो लाइन में हमें दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा लगभग थोड़ा काम हो चुका है।
और ये जो हमारा ये अपलोड एरिया है ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो जैसे ही हमारा ये चूज फाइल का जो एरिया है वो अगर यहाँ से हम लोग इसको हाइड करेंगे तो ये हमारा ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे आकर हम इसे हाइड कर देते हैं, अभी देख रहे हो आप ये हमारा सारा कुछ, जैसे ही हमने इनपुट फाइल को हाइड किया तो यहाँ पे हमारा जो है वो अब इस तरीके से अपलोड एरिया जो है वो अच्छे तरीके से अब दिखने लग गया। थोड़ा सा अपलोड एरिया जो है हमारा पैडिंग 20, इसको थोड़ा 30 कर लेंगे तो अब थोड़ा सा हमारा ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा HTML और CSS का जो भी पार्ट था वो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं स्क्रिप्ट फाइल में। अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे सारा आईडी लिए हैं, ड्रॉप एरिया है, इनपुट फाइल है, वो सारा कुछ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे एक जो हमारा ड्रॉप एरिया है उसको हम लोग एक नाम दे देंगे, ड्रॉप एरिया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और जो भी यहाँ यहाँ पे हमारा आईडी था ड्रॉप एरिया का, सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एक और लेंगे कॉन्स्ट इनपुट फाइल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जो इनपुट फाइल का आईडी हम सिंपली उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एक और आईडी हमारा इमेज व्यू, इस आईडी को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो इमेज का व्यू होगा अब आफ्टर अपलोड वो इसी में दिखने वाला है। इमेज भी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस आईडी को भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो हमारा HTML से जो भी हमारा आईडी था वो अब जावास्क्रिप्ट में कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट फाइल जो है हमारा इसके अंदर डाल देंगे एड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे एक इवेंट देंगे चेंज, जो कि हमारा ये इवेंट होगा। और उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम हम लोग अभी दे देते हैं अपलोड अपलोड इमेज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमने ये जो यहाँ पे अपलोड इमेज का एक फंक्शन नेम डाला है, अब उसका एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो लिख लेते हैं फंक्शन अपलोड इमेज। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं जो हमारा इमेज व्यू होगा हम लोग उसको लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट इमेज लिंक इक्वल टू यूआरएल का यूज करेंगे जो कि हमारे इमेज का पाथ होगा डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे इनपुट फाइल डॉट फाइल जो कि इसका फाइल टाइप होगा, ये रहेगा 0। उसके बाद हम लोग इमेज व्यू जो है हमारा उसका स्टाइलिंग कर लेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू बैक टिक के अंदर यूआरएल लेंगे। यूआरएल लेने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे डॉलर का यूज करके ये जो हमारा इमेज का जो लिंक है हम लोग इसको उसमें शो करवाएंगे।
उसके बाद क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या काम कर रहा है या नहीं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने इसका सही से कोड लिखा नहीं। जो भी हमारा ड्रैग और ड्रॉप का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं तो ये हम इमेज लेते हैं और ये अगर यहाँ पे अभी ड्रॉप करते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल दूसरे फाइल में जाकर खुल गया है। ठीक है, तो अभी सब उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का जो भी फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ये जो हमने ड्रॉप एरिया जो बनाया है यहाँ पे, ये जो है हमारा लेवल के अंदर हम लोग ड्रॉप एरिया को यूज करेंगे और इसके अंदर डालेंगे डॉट एड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे एक इवेंट हम डालेंगे जिसका नाम होगा ड्रैग ओवर। और इसके बाद इसको हम लोग फंक्शन पे कॉल कर लेंगे और इवेंट को पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, जैसे ही हमारा ये जो इमेज यहाँ पे ड्रैग हो, इमेज ड्रैग होने के बाद ये हमारा जो एरिया है वो क्लियर हो जाए, जिसके लिए हम लोग डालेंगे ई डॉट, जो हमने यहाँ पे इवेंट डाला है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट डालने से जो भी हमारा डिफॉल्ट पे रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। एक और यहाँ पे हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और यहाँ पे इवेंट बनाएंगे ड्रॉप एरिया के अंदर, जिसका जिसका इवेंट होगा ड्रॉप। और वही उसी सेम फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे जो इनपुट फाइल होगा हमारा डॉट फाइल्स इक्वल टू इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स। जैसे ही हमारा यहाँ पे जो कुछ भी अगर ड्रॉप करेंगे तो उसका डेटा जो ट्रांसफर है वो हमारा फाइल के अंदर चले जाए। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जब ड्रॉप हो हमारा इमेज, ड्रॉप होने के बाद ये जो हमारा इमेज का यूआरएल इसके अंदर आ जाए, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है अपलोड इमेज का, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अभी चेक करके हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ हमारा थोड़ा बहुत काम कर रहा है या नहीं। तो अभी देख सकते हैं आप, हमारा इमेज जो है वो ड्रैग हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग होने के बाद ये जो आप देख रहे हो हमारा आइकन भी हाइड नहीं हो रहा, प्लस में ये हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं ये इस इमेज पे क्लिक करूँ तो हमारा जो इनपुट फाइल जो हमने लिया था वो इनपुट फाइल भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो जिसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इमेज व्यू डॉट स्टाइल बॉर्डर। जो हमारा यहाँ पे है अभी इस इमेज जो बॉर्डर दिख रहा है हम लोग उसे नन कर देंगे, डॉट बॉर्डर इक्वल टू 0। और एक और ले लेंगे इमेज व्यू के अंदर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू एम्प्टी। तो अभी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं ड्रैग करके तो देख सकते हो आप, हमारा बॉर्डर जो था वो भी यहाँ से हट चुका है और जो भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था टेक्स्ट और जो आइकन था हमारा अपलोड का, वो सारा कुछ यहाँ से अभी देख सकते हो आप हट चुका है। अब सिंपल एक चीज़ और यहाँ पे रह गया है जो कि है हमारा इनपुट फाइल। तो इनपुट फाइल को हम लोग यहाँ पे इनेबल कर लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा इनपुट फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो अभी जो हमारा जो इमेज था वो इनपुट फाइल यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, शायद यहाँ पे हमारा कुछ मिस हुआ है। इमेज टाइप फाइल एक्सेप्ट इमेज, यहाँ पे अभी अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा जो एस्टिक है वो यहाँ पे हमारा मिस हो गया। अगर अगर मैं अब इसे सेव करके रन करता हूँ तो अभी क्लिक करने पे आप देख सकते हो हमारा इमेज का इनपुट फाइल भी यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो रहा है। अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो इनपुट फाइल यहाँ पे देख सकते हो आप ओपन हो रहा है, और मैं अगर ड्रॉप ड्रॉप करूँ यहाँ से
तो ये हमारा ड्रॉप भी अब काम कर रहा है। अगर मैं इस इमेज पर यहाँ ला के सिंपली ड्रैग करता हूँ तो ये अभी देख सकते हो अच्छे तरीके से हमारा ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन है वो सारा कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का कोई साइट बनाना चाहते हो, आपको इस टाइप का आपके कोई वेबसाइट है उस पर आपको इस फंक्शन को बनाना है तो आप सिंपली इस कोड को यूज कर सकते हो। अगर आपको इस कोड को यूज़ करने में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पे गिटहब का लिंक दे दूंगा और गिटहब पे मैं इसको अभी सिंपली अपलोड कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज, और यहाँ से आप लोग सिंपली, मैं अभी इसे प्राइवेट कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप जाके सिंपली, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे जो भी हमारा गिटहब पे है मैंने सिंपली इसे अपलोड कर दिया है तो आप लोग सिंपली वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप लोग यहाँ पे कोड आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे इमेज यूज किया है, आइकन्स है, वो सारा कुछ, सारा फाइल आपको सिंपली वहाँ पे मेरे गिटहब पे आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जाके अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप लोग सिंपली वहां पे जाके आप लोग इस कोड को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अभी हमारा यहाँ पे देख सकते हो अपलोड हो रहा है फाइल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को किस तरीके से अपलोड करवा रहे हैं। तो ये सारा फीचर्स आप लोग अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।